अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू राशिद अपडेट्स। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में एक और नई अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अदालत उज़्मा ने तनख्वाह दार तबके की आमदन पर इजाफी टैक्स को गैर कानूनी करार देने के फैसले के खिलाफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से दायर अपीलों की समाअत के दौरान बोनस पर टैक्स को नाकाबिले फहम करार देते हुए अपीलें मुस्तरद कर दी हैं और कहा है कि तनख्वाह दार तबके पर 30% इजाफी टैक्स ज्यादती है। जबकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क दिए कि तनख्वाह दार तबके पर इजाफी टैक्स का जवाब समझ नहीं आ रहा। जस्टिस मंजूर ने कहा कि 10 लाख तनख्वाह पर टैक्स आयद करने पर तफरीक क्यों की गई। जस्टिस फायद ईसा ने कहा कि 10 लाख फीस देने वाले वकीलों और 10 लाख कमाने वाले बिजनेसमैनों पर 30% टैक्स क्यों नहीं लगाया गया। चीफ जस्टिस की सरबराही में जस्टिस काजी फायद ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने तनख्वाह दार तबके की आमदन पर इजाफी टैक्स को गैर कानूनी करार देने के फैसले के खिलाफ FPR की अपीलों पर समाअत मुकम्मल होने के बाद तमाम अपीलें मुस्तरद करते हुए करार दिया कि तनख्वाह दार तबके की आमदन पर इजाफी टैक्स के बारे में FPR का मौकफ काबिल कबूल नहीं। अदालत ने ऑब्जर्वेशन दी कि हुकूमत की जानिब से कॉरपोरेट सेक्टर के 10 लाख से ज्यादा तनख्वाह लेने वाले तबके पर 30% इजाफी टैक्स लगाना ज्यादती है। मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।